टुडे हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी एंटरटेनमेंट मिट्स एंटरटेनमेंट इन मुंबई इन एसोसिएशन विद द निकोल प्रोडक्शन। एंड मैं थैंक्स करूंगा जीत जी को और सर को। और हमारा एक करेक्टर, हम एक मूवी बनाने जा रहे हैं, वेब सीरीज, उसका नाम है मिस्टर बनी। वो एक बहुत ही फनी एक करेक्टर है, सेंसिबल है, बहुत बड़ा अंतर बना है पूरे वर्ल्ड का। वो टॉप 10-15 बिजनेसमैन में आता है। उसके बहुत सारे शेड्स, कभी वो सनकी है, कभी वो अच्छा है, कभी उसके, और उसकी एक और आदत है कि वो जब कोई चैलेंज ले लेता है तो उसको करके देखता है। उसके लिए वो चाहे वर्ल्ड के टॉप बंदे से भी पंगा ले ले। तो उसमें बहुत अच्छी कहानी है, एंटरटेनमेंट है, लर्निंग है और फन है। और हमने कुछ सिलेक्शन भी किया है, जिस जैसे जीत जी, युक्ता अग्रवाल और पीवी सिंह। और बाकी हम इसके ऑडिशन शुरू कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सर को दी है। और मैं विश करूंगा कि हम ये जो मिस्टर बनी है वो बहुत राइज कर, मतलब अच्छी लगे सभी कस्टमर, मतलब हमारे जो भी ऑडियंस है। और आज उसी के उपलक्ष्य में हमने ये रखी है। थैंक यू। जी भाई, आपसे मैं चाहूँगा, क्या कहते हैं, स्टूडेंट के बारे में, सर के बारे में, और ज्योति जी के बारे में, संजय के बारे में। थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं तभी प्रोजेक्ट अच्छा बनता है। और मिस्टर बनी मुझे तो अभी टाइटल पता चला है इसका रिसेंटली, और अपने आप में एक कॉमेडी फिल्म लग रही है मुझे, इंटरटेनमेंट लग रहा है। और इसके साथ इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे मेरे अलावा, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने तो मिस्टर बीन ही सुना है बचपन से, जो हॉलीवुड एक्टर हैं। और तो मिस्टर बीन, मिस्टर अनीस, ये बनी, ये सब सुन के वैसा ही नाम सा आता है कि यार वैसा ही कुछ बनना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें आपको और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन एक्टर्स लेने पड़ेंगे इसमें, जिससे कि वो प्रोजेक्ट बने, क्योंकि अगर खाली मैं ही रहूँगा तो मेरे से भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाएगी। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा है, हम लोग साथ में फिल्म करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, अच्छे से हम काम पे लेके जाएंगे। बाकी लेट्स सी, रेस्ट ऑफ स्टार सर कास्ट के ऊपर डिपेंड है। ये, थैंक यू सर। ये मिस्टर बनी वाकई एक इंडियन करेक्टर है। इज नॉट इंस्पायर्ड विद द नेम ऑफ मिस्टर बीन, बट इसका भी करेक्टर कुछ फनी, मैंने बताया ना कि इसको अगर जब सनक आ जाती है तो सीरियस हो गया, और जब इसको मजाक आती है तो मतलब फनी भी है। और एक और हमारा इसमें सीन है, मतलब इसके बनी में, जैसे आपने देखा ना रैबिट के, मिस्टर बनी रैबिट को भी बोलते हैं, उसके राइट कान बड़े होते हैं। तो हमारे भी इस करेक्टर में पता क्या है कि जब उसे सनक आती है ना, उसके कान बड़े हो जाते हैं, ऐसे बड़े से हो जाते हैं। तो ये एक अलग सा एक करेक्टर है। और इसमें सिर्फ फन नहीं है, इसमें मतलब सीखने को भी बहुत कुछ है। एक इसमें पंडित जी का बहुत अच्छा करेक्टर है, और हमारी पंकज बेरी जी से बात हुई भी है पंडित जी के रोल के लिए, ब्रह्मदेव शास्त्री उनका नाम उन्होंने रखा है, और आज वो थे नहीं, नहीं तो हम उनको भी इन्वाइट करते। तो बड़ा इसमें डिफरेंट वो हैं। और हम क्योंकि मुंबई में, मेरे लिए मतलब मुंबई नया नहीं है, मेरा बचपन जो है मुंबई में गुजरा। 89 में मैं आया, फिर 94 में आया, यहीं से सपने देखे। और कहीं ना कहीं ये आज हमारी कंपनी है मिट्स के नाम से, मिट्स इंटरटेनमेंट, हम लॉन्च कर रहे हैं कहीं तो शहरों में, और इंटरनेशनल लेवल पे हमने बहुत सारे काम करे हैं। तो मुंबई में मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जहाँ से मैंने सपने देखे हैं, मन है कि ये वहीं पे हम इसे अच्छी लॉन्चिंग करें, और इसे अच्छा ही बनाएंगे सर, अच्छे ही नहीं, कलाकार बिल्कुल अच्छे करेंगे, और बनेंगे। आप सबकी गाइडेंस से और ब्लेसिंग्स से और विशेष से कोशिश करेंगे। आज तक हमने जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हाँ किए हैं जी, वो बहुत अच्छे गए, मिस्टर बनी भी ऐसी जाए। नहीं बिल्कुल ऐसे जाएगी, हमारी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ मिलकर करेंगे और धमाका करेंगे इंडस्ट्री में। हम तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनाएं, अच्छे आर्टिस्ट को लें और प्रोजेक्ट जाए, क्योंकि आजकल तो प्रोजेक्ट आपको पता ही है, क्राइम चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है, थ्रिलर चल रहा है, तो कुछ नया सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट ऑडियंस ढूंढती है। मिस्टर बिल्कुल। बनी अपने आप में नया सा कॉन्सेप्ट है, तो और मुझे लगता इसमें सर हमारा एक और रोल रहा है हमेशा, आप हमारी प्रोफाइल भी देखें, हमारा हमेशा रहता है कि जो यंगस्टर्स है और जो अभी न्यू कमर्स हैं, हम उनको भी प्रमोट करें। क्योंकि मतलब हम क्या है कि जब इंडस्ट्री है वो यही देख रही है कौन कहीं पे कहाँ सेटल हो गए, हमें उनको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने कंपनी बनाई है। देखिए हमारी कंपनी का हमने ना लोगो भी बनाया है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, मिट्स एंटरटेनमेंट का हमारा विजन है टैलेंट एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीन्स हमें अच्छे टैलेंट को साइन करना है, सभी के लिए इंजॉयमेंट हो और एंटरटेनमेंट हो। हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर। और कि पहले हमारी मिस्टर बनी शुरू हो, और हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे मतलब जो भी कास्टिंग है हमारी वो अच्छी हो, और इसके ऑडिशन हम कल से ही शुरू कर रहे हैं, और सर बताएंगे कि इसके हम ऑडिशन के लिए कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। जितना हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और सर के बारे में, सनी भाई के बारे में, जी जी के बारे में, वो सब ये बताएंगे। हाँ सनी जी बताएंगे। बेसिकली ज्योति ग्रेवाल एक वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी सपोर्ट करती है, और निकोल प्रोडक्शंस चलाती हैं, और एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है भाटिया जी के साथ में।
तो उस प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। एंड ज्योति जी का न्यूकॉल प्रोडक्शन चालू करने का रीज़न यही था कि नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे, और इसीलिए वो जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट कर रही है कुछ नए टैलेंट्स को सब प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये जो ऑडिशन प्रोसेस के बारे में बताया था कि कब कल से शुरुआत होने वाली है, कैसे अप्लाई करें, कहाँ ऑडिशन हुआ, क्या है प्रोसेस ऑडिशन यही मुंबई में ही होगा। अभी जस्ट आर्टिस्टों को शॉर्टलिस्ट किया है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, जो भी सूटेबल जाते हैं का उस कैरेक्टर को हम मूवी में लेंगे बेसिकली ऑडिशन करने के बाद। बाकी आप और क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के अलावा, और जो आप करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में? बेसिकली आई एम अ प्रोड्यूसर, फैशन इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर इन बॉलीवुड, एंड सिंस 15 ईयर्स से मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में हूँ और न्यू टैलेंट्स को सपोर्ट करता हूँ काफ़ी। जितने भी इंडस्ट्री में जो न्यू टैलेंट्स आते हैं मैं उनको प्लेटफॉर्म देता हूँ बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में। सर आप देखिए, हाँ जी सर। आपका बैकग्राउंड तो बताइए। सर देखिए, मेरा बैकग्राउंड ये है कि स्टार्ट तो मैंने मतलब फार्मास्यूटिकल से शुरू किया, और अब हम मल्टीपल सेगमेंट में, आईटी में, एंटरटेनमेंट में, एविएशन में, और मेरी लाइफ में बड़े फेलियर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ स्मूथ रही। अभी भी लोग जब मैं कुछ बातें करता हूँ तो लोगों को लगता है बहुत बड़ी बातें कर रहा है। एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि यूथ को मोटिवेशन भी मिले। बातें करने भी रोकी जाती है, सपने देखने भी रोका जाता है। सपने कहते हैं ये सपने पूरे नहीं होते, ज़्यादा बोल रहा है। मैंने यहीं से सपने देखे, आज मुंबई से इंटरनेशनल मुजफ्फरनगर से कहीं जगह हम लोग पहुँच गए, और मेरी प्रोफाइल देखोगे आप तो यूथ को हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं सपने ज़रूर देखो, सब कुछ पॉसिबल है, किसी से डरो ना, किसी ना रुको। एक हमारा और प्रोजेक्ट है, मैं नाम अभी इसलिए नहीं कि भी मिक्स हो जाता है, तो वो भी यूथ से रिलेटेड है, फन से रिलेटेड है, रोमांस भी है, ऐसा नहीं है विलेन नहीं है, विलेन भी है क्योंकि बिना उसके प्रोजेक्ट नहीं बनते। बट हम चाहेंगे कि एक ऐसा कंसेप्ट जो सोसाइटी में आए, और मेरी ट्रू स्टोरी, वी वॉन्ट टू मोटिवेट यंगस्टर ऑल्सो, मैं करता भी हूँ कई लोगों को, तो वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब लोग मतलब एक दिन मिट्स का जैसे और फील्ड में नाम हुआ है, और जिस मुंबई से सपना देखा है मुंबई में भी एक दिन बहुत बड़ा नाम हो, ये हमारा विशेष है। और थैंक यू जी। भैया बताइए आपका क्या चल रहा है इसके अलावा, कुछ प्रोजेक्ट फिर कर रहे हैं? बस आपकी कृपा, आपके मिलते रहते हैं हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आपको तो पता ही है। अभी डिप्लोमेट कंप्लीट हुई है जॉन की फिल्म में, जॉन जी इसको लीड कर रहे हैं, और टी सीरीज का प्रोजेक्ट है, 3-4 और बड़े प्रोडक्शन कोलैब करके कर रहे हैं जिसमें जॉन जी का खुद का प्रोडक्शन, तो इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। आई एम वेरी हैप्पी, शिवम नायर जिसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ अभी मैंने फूले फिल्म कंप्लीट की, प्रतीक गांधी जानते ही होंगे आप, स्कैम सुपर उनकी हीरोइन, मेरा बहुत मन था उनके साथ, प्रतीक जी के साथ काम करने का, तो इस फिल्म में फूले में मुझे मिला उनके साथ काम करने का मौका। तो ये फिल्म में अभी बिजनौर गैंगस्टर फ्लोर पर मिली, और आधी रानी नक्सल पर बन रही है बिल्कुल, उसी की शूटिंग चल रही थी आधी रानी। क्या कहेंगे आपका, क्या कुछ क्या चल रहा है, क्या करना? बेसिकली आई एम अ प्रोड्यूसर, फैशन इन्फ्लुएंस फिल्म मेकर इन बॉलीवुड, एंड नए टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म देना है, इसलिए अभी सर के साथ जुड़े हैं और जीत के साथ भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं, और जीत को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और जॉन अब्राहम के साथ भी जीत की मूवी आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी, जीत इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड आज बॉलीवुड पर इस मकाम में पहुँचे हैं। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए और इस डिक्लेरेशन के लिए ज्योति मैम को भी, ज्योति ग्रेवाल मैम को स्पेशल थैंक्स करूँगा। इनसे मेरी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई दो इवेंट्स में, और इनसे ऐसी पॉजिटिविटी आई कि मुझे मुंबई में मेरे आई वॉज सर्चिंग फॉर सम लिंक्स बन रहे हैं। सो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनका मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा, और विश करूँगा निकोल प्रोडक्शन और मिट्स इकट्ठे मिलकर ग्रो करें, और हर दोनों कंपनियों का म्यूचुअल मतलब नाम हो, और हम सोसाइटी को भी कुछ दें इन टर्म्स, और सब के साथ हम जुड़ें। थैंक यू।